दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं असम का मोबाइल थिएटर, जिसे ब्रह्म्यमन थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। थिएटर का एक अनूठा और जीवंत रूप है, जिसकी उत्पत्ति भारत के असम राज्य में हुई थी, जहां अच्युत लखर ने 1960 के दशक में पाठशाला शहर में मोबाइल थिएटर को जन्म दिया था। हर साल थिएटर समूह अपने कलाकारों के साथ असम भर के गांवों और शहरों में प्रदर्शन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। थिएटर सीजन के दौरान पाठशाला शहर उत्सव में बदल जाता है, जहां हजारों लोग आवाहन थिएटर, कोहिनूर थिएटर, राजमुकुट थिएटर, राजलक्ष्मी थिएटर के नाटक देखने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। यह लोगों के लिए एक त्योहार की तरह है। नाटक अक्सर सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक नाटक, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति और भ्रष्टाचार जैसे समकालीन विषयों पर केंद्रित होते हैं, जिन्हें दर्शक पसंद करते हैं। थिएटर समूह 3D या 5D टेक्नोलॉजी जैसे विशेष प्रभावों के उपयोग के बिना लाइव स्टेज पर दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखता है। शो के दौरान कई कलाकार लाइव स्टेज पर दुर्घटनावश घायल हो गए। इससे पहले टाइटैनिक जैसे नाटकों ने मंच पर पानी की एक बूंद के बिना दर्शकों को आकर्षित किया, और जुरासिक पार्क, मैरी कॉम, महाभारत और रामायण ने भी दर्शकों को आकर्षित किया। समूह 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर देते हैं। असम में 30 से अधिक मोबाइल थिएटर हैं, जहां हर थिएटर समूह में 100 से 150 से अधिक लोग काम करते हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के कारण पाठशाला के लोगों का एक वर्ग डरा हुआ है, क्योंकि पहले से ही डिजिटलीकरण ने सब कुछ बदल दिया है। लेकिन थिएटर निर्माताओं का कहना है कि कोई भी डिजिटल तकनीक मंच पर लाइव नाटकों के अनुभव को नहीं बदल सकती, क्योंकि थिएटर जीवन से बड़ा अनुभव प्रदान करता है। इसे TV या OTT द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, वे आश्वस्त हैं। Follow us and don't miss another update.